झगड़े झगड़े ये झगड़े 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 दिन ते को किदे किदे तो आपने मैं कहवा ने आपने मैं कह हां मैं जुल दिया मैं किदे नहीं मैं नहीं करना अम्मा तैयारी कर किदे लेट है तैयारी कर किदे जुलू भाजे जल्दी कर लेट है अम्मा जल्दी कर लेट है अम्मा जल्दी कर तैयारी कर जुलू माशाल्लाह दुआ करना रहम वरीख है क्या हो रहा है पढ़ाई हो रही है ये पढ़ाई का टाइम है सरदार वाले पंखा भी चला के पढ़ाइयाँ हो रही हैं और मैसा आप नहीं की क्या कर लिया आपने और इमरान अभी आप कर रहे हो अच्छा हिम्मत करो अजीब माशाल्लाह जबरदस्त है आज जेंट हो गई साइकिल फिर बनवाना नहीं था आज सारा दिन फ्री थे तुम इधर से कहाँ बनवा ली है बनवा ली कब बनवाओगे अब अभी जाके बनवाओ ना फिर अभी घर नहीं है फिर कब बनवाओगे अभी होता तो घर है अभी काम गया हुआ था इधर आ रहा है फिर मैं सब मुझे भी पानी पिला दो फ्रिज से हैं कैसे सही हो गया है चलो पिला दो अच्छा ना बेटा अभी जाके बनवा लो ना चैन फिर सुबह बोलोगे बाइक लाइन सही नहीं है लाइन सही करवाओ ना फिर जो तुम कस कस के पेड़ लगाते हो यहाँ से धुका के 300 लेगा उसका टाल निकालेगा तो वो वैसे भी करेगा और लाइन सेट कर देगा टाल कैसे हो गया इतना बड़ा वजन हो गया आपका टेढ़ी हो रही है वो कैसे टेढ़ी यार अजीब बात है आपका इतना वजन है खुदा का खौफ कर यार कुछ यार मेहरबानी कर नया लिया था यार रोज बरोज ये ड्रामा है आपका यार सही क्या यार खुदा की कसम थक गए हैं हम तो इस बंदे से यार रोज बाइक इसकी ख़राब हालांकि हमने पुरानी बाइक इसको ला के दी है जो मतलब पुराना लुहा होता है बिस्मिल्लाह पुराने ज़माने के लुहे थे जब साइकिल बनते थे बस बैठे वो हमने सुना के दिया हमने कहा कि ये मतलब तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं उसको लेकिन आज फिर ये बंदा बोल रहा है वो बाइक की चैन टूट गई तो उसको टल हो गया सबू के भी नहीं हो गई पता नहीं यार ये कैसे चलाते हैं इसको अब नई बाइक्स अगर हम दें तो इनका तो ये कबाड़ा कर देगा स्कूल जाते जाते ये मसला है ये अपने पाँव की जूती जो होती है ना जूती ये देखो ये इसका शूज़ है ये हाल किया हुआ है अब बंदा डेली तो इसको नहीं ला के दे सकता ये हर 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद इसके जूता टूट जाते हैं पता नहीं करता क्या है यार क्या करते हो आप हेलो क्या करते हो आप टीम के साथ आप बताओ तो सही मुझे क्या करते हो ऐसे टूट जाते हैं कैसे टूट जाती हैं यार हमारी तो चीज़ें नहीं टूटती आपकी कैसे टूट जाती है कोई सीन बताओ तो सही हैं हाँ अब लिखाई देखो ना गलत कर लिया अब ये देखो काट रहा है ये देखो काट रहा है ये देखो सारे गुजर मुझे लगा दिए ये देखो सामने सारे गुजर लगा दिए क्यों काटे ये सही नहीं क्यों तवज्जो नहीं थी नहीं तवज्जो नहीं थी ना लिखनी और चीज़ थी और लिख और चीज़ थी ऐसे इधर बताया ना मुंह उठा के क्या लिखना था क्या लिख लिया बात उठा गया ये देखो जी बच्चे अब क्या पढ़ेंगे मुझे ये बताओ
अब उसको सारा कट वट करके गंदा मंदा करके ना अब उसको साथ छोड़ेगा ये ऊपर जो खासियत लगा दिया है सारा गड़बड़ कर दिया है सारा लिखा लिखा या सारा फारिग कर दिया है। क्या करोगे यार तुमसे तो वो देख माशाल्लाह कितना अच्छी राइटिंग कर रहे थे अभी दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में हो ए? थ्री क्लास में हो? हाँ थ्री क्लास में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह देखो कितना मेहनत करते हैं वो। आपको देखो मकोड़े छोड़े हुए हैं आपने सारे सिस्टम में। आपने कर लिया काम फाइनल कर लिया सारा दिखाओ लिखो। आप इधर क्या देखते हैं मेरे तरफ सोच के वो उधर देख के नहीं लिख रहे नहीं। क्यों ये वो नहीं है इधर जो तुम लिख रहे हो वो सामने तो लिखा हुआ है मैं आया था अदब से अल्तमास है कि मैं मॉडल टाउन में डाक के नाकिस और बेकायदा तकसीम का हाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ये हमारी जो है ना ये वाली है और उस्ताद ने कहा ये वाली नहीं लिखी पहले जो पढ़ाई थी वो वाली लिखी है पहले वाली याद है। अच्छा माशाल्लाह जी हमारे बच्चे भी काबिल हैं हर चीज़ के माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और नुकसान भी माशाल्लाह बहुत बहुत करते हैं तो मैसा ने अपनी लिखाई लिख ली है और इसकी भी देख दी है। बताओ बेटा कौन सा लिखना था ये वाले लिखने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे क्या है ये ABC लिखा है ये खुद मुझबानी लिखा है ये मुझबानी लिख लेती हो आप। अच्छा ये भी लिख लेती हो या लिखा हुआ लिखती हो खुद अपने हाथ से लिख लेती हो। आप मेरा नाम भी लिख लोगी नहीं लिख लोगी? अच्छा चलो लिख लिया करो ना आप मेरा नाम लिख लोगे लिख के दिखाओ। गलत दिखाना गलत सुल्तान लिखा है सुल्तान सुल्तान लिखो इधर वो मिटा देगा है ना सीन लाम लिखना अब सुल्तान है अब सही है ओके करो लिखो अब ओके जी। ये तो अपना अपना काम कर रहे हैं जी हम ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे फिटफाट होंगे और खैर खैर से होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से ब्लॉग हमारा हो गया स्टार्ट और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल लाइक दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो माशाल्लाह जी आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके आप लोगों के भाई ने तैयारी शुरू कर ली है और बताता हूँ कि यार आज मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। आज शाम को जो है ना मेरी टिकट है और उसी टिकट के साथ जो है ना मैं एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि मैं कहाँ जाना था मैंने एक जगह पे और वहाँ अभी आज जो है ना शाम के टिकट में मैं जो है ना जा रहा हूँ। सरदार आपने कोई काम जिम्मे नहीं किया स्कूल का काम जिम्मे स्कूल का कहना किता हाँ कहना हाँ प्या किता कहने वो सारे करें दे बैठे तो कहने किता कल किता हमें आपने कापे दे लिखा हमें हाँ। अच्छा वो ये ककार की दाम है वाह रे वाह तू तो बड़ी सियाने दी है मिला है तू तो मतलब जल्दी जल्दी काम कर गई नहीं ना
तो कहीं दे मतलब जिम्मे रखे दी कहने काम है ना ये मैं जल्दी जल्दी कर गिन दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैं ठीक हो तो बेसे ठीक है फिटफाट हो माशाल्लाह माशाल्लाह आज तरक्ते जोड़े हैं आज तो फूत फात हैं खैर है आज कितना गया है वे खाया था आप लोगों ने खाया था चावल खाया था राज पे थे। अच्छा माशाल्लाह चलो राज पे थे तो अच्छा अच्छा अम्मा अपना क्या करना है सुन क्या बनाना है आज दाल बनानी है रोटी तो मेरे ख्याल में आप लेट फिर बनाती हो हैं मैं कहता हूँ शाम को रोटी खा के जाऊँ जल्दी बना लेना शाम को मैं कहीं जा रहा हूँ रोटी रहे बस से उतरूँगा तो खाऊँगा जब उतरूँगा नहीं तो कहाँ खाऊँगा रास्ते में इसको भी बंद कर देना तो मैं अम्मा जा रहा हूँ तो फिर एक दिन तक वापस आ जाऊंगा एक या दो दिन है क्योंकि पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी मुझे पता नहीं था ना तो तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से ये काम भी रह गया था अब वो जो काम छोड़े हुए हैं ना वो आप करने तो हैं ना इसी वजह से तो जाऊंगा शाम को ठीक है सारा सामान वगैरह मेरा पैक रखना है कपड़े शपड़े पैक रखने हैं ठीक है तो फिर इंशाल्लाह शाम को मैं निकल जाऊंगा ओके हो गया हाँ जी अमनी अमनी जी आपने खोल दी है वाह जी वाह आपने खोल भी दिया है चलो ठीक आज आज आंखें भी बता रही हैं किंदा की किंदा ने बहुत ही ज्यादा नींद की है गर्मी यहाँ पर आखिरी लम्हात में अपने टांगे शांगे मार रही है ठीक है ना तो ओए यार मोटरसाइकिल बुदाए में कपड़ा मार दो हाँ अच्छा आखिरी लम्हात में ना गर्मी अभी टांगे शांगे मार रही है थोड़ी बहुत गर्मी जो ना होती है अब ये देखिए सुख बंद हो गया है मौसम हवा शवा कहीं पर भी नहीं चल रही कहीं से भी कोई हवा नहीं चल रही है ये देखो कोई भी हवा नहीं चल रही है तो गर्मी अपने आखिरी लम्हात जो है ना पूरे कर रही है तो फिर आप लोगों को पता है बाद में तो सर्दियाँ सर्दियाँ आ जाती हैं फिर गर्मियों की ज़रूरत भी नहीं होती फिर हर बंदा जर्सियाँ शर्सियाँ पहने होता है सर्दियों को मज़े के साथ और यहाँ पर देखें जी मौसम देखना हम अपनी गली से बाहर निकले ना अपनी गली से जैसे बाहर निकले ना सामने सारा जंगल ही जंगल होता है ये देखें हमारे घर के सामने सारा जंगल ही जंगल ये देखें सारा जंगल जंगल और आज चाचू के घर में भी देख रहे हैं दो प्लेटें उधर भी लगी हुई हैं छोटी लोग बिजली के बिलों से जो है ना सारे लोग थक गए हैं यकीन मानो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुर्बत एक बहुत है और 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार तो लोगों का बिल आ जाता है बिजली का इसी वजह से लोगों ने अपना एक एक प्लेट ले ली है सारा दिन पंखा चलाते हैं उसके ऊपर आता तो पंखा ही काम है शाम के टाइम बैटरी लगाते हैं पंखे पर शाम के टाइम बैटरी पर पंखा जो है ना चलाते हैं बस ये सीन जो है ना चल रहा है आजकल घरों में तो बिजली जो है ना काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जो है ना काट दिया खैर हमारे पास तो लाइट शुरू से नहीं है पिछले 50 साल से लाइट नहीं है जब से हम पैदा हुए हैं ना हमने अपने गांव में लाइट नहीं देखी बिजली नहीं देखी हमने कभी भी बिजली नहीं देखी हाय हाय सोना सरदार ओए ये चूहे टोक गए तलवार हैं यार ये क्या ड्रामा कर गए चूहे है ना चूहे टोक गए ना नुकसान कर गए बड़ा ऑन कर हाँ
एक बजे देखो ना एक मेरे को लग गया चूहे बर्बाद कर गए ने। डबल हॉर्न लगवाया था ये देखे ना ये चूहे जो है ना सारा खत्म कर गए हैं टुक गए हैं ये तारे मेरे ख्याल में चूहे ही टुक गए हैं सारे बर्बाद किया यार इन्होंने। उधर नए मकान में चूहे है सच में बाकी नहीं है यार कमाल है। जब चाचू शंबर मोटरसाइकिल बाहर निकलता है ना फिर उसके बाइक से चूहे निकलते हैं। ये हमारी बाइक से भी चूहे ना निकले लेकिन ये तार कहाँ से उन्होंने काटी है ये तार कहीं से भी काटी है उन्होंने ये देखे सारा नुकसान कर दिया चूहों ने मेरी बाइक का। अम्मा ये चूहे ना कोई इलाज कर मेरी बाइक दे जना ना तारा शारा टुकी वेंदन अम्मा चूहे हां बर्बादी कीती वेंदन अम्मा ता हां तारा टुक वेंदन खा वेंदन क्या दवा करा कि दवाई सही ये ता बर्बाद कर देसे ना अम्मा नमा मोटरसाइकिल अम्मा देख तारा टुकड़ी तने हमने कोला क्या कर कुछ कर सही बरल चलो देखते हैं इनका भी कोई इलाज करते हैं चूहों का है। चलें जी थोड़ा सा कपड़ा लगवा लेते हैं इसको फिर थोड़ा सा सैर सपट्टे पे जाते हैं और शाम को मेरी फिर तैयारी बन रही है 7 बजे फिर इंशाल्लाह मैं घर से निकलूँगा। ये जो सामने हमारे गांव की मस्जिद है ना ये सामने वाली ये मस्जिद किस किस ने देखी है और हमें ना कॉमेंट में लाजमी बताना है ये वाली मस्जिद जिसने भी देखी है तो उसने हमें कमेंट में जो है ना बताना है। ये जो सामने मस्जिद है ना जिसने भी देखी है हमें बताना है कमेंट में। तो आप लोग पापड़ क्या खा रहे हो पापड़ खा रहे हो पापड़ ना खाया करो खंग होती है पापड़ से ठीक है अगू तो एहतियात करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयारी मेरी मुकम्मल फैनली हो चुकी है तो ये देखे जी शूज़ पहन लिए हैं और कपड़े मैं यही पहन के जाऊंगा जो ब्रांड है मेरे ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कपड़े हैं। यार खाने की इंतज़ार में था मैंने कहा चलो यार घर से खाना तो खा के जाऊं लेकिन अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ अभी तक ये देखें दाल को तिड़का लगा हुआ है ठीक है ना खाना अभी नहीं बन रहा दिखाओ भाभी ये देखो ये कितनी देर तक बन जाएगी बस 5 मिनट 5 मिनट में बन जाएगी पक्की बात है जी। फिर रोटी कितनी देर बाद बचे बनेगी अभी तंदूर में दाल डालेंगे वो दूसरी जो है ना अपना दोपहर वाली रोटी पड़ी है कोई नहीं नहीं पड़ी आपके पास पड़ी है रोटी आप लोग करते क्या हो कोई बंदा एक अधी रोटी भी रख लेता रोटी भी एक अधी रख लेता है परोठी रोटी बंदा खा के जल्दी जल्दी चला जाता है। अच्छा जी ये जल्दी बना गए दो रोटी मेरे को सेट तो दे चा ताकि मैं पूरा रास्ता वाला रात भूख ना मरदा हूँ ठीक है मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के दे चा ते अम्मा ये क्या बात गंडी बधी बधी हाँ तवे ते बनाओ चा मसला क्या नहीं तवे ते बनाओ चा ठीक है हाँ अजाने अतने बन जाती नमाज पढ़ते मैं अंदर जाती रोटी जल्दी जल्दी बना देना ठीक है अम्मा पर जल्दी जल्दी मेरे निकलना नहीं करना ठीक है मैं घर को तंग आ गया मैं दाद की कसम ये झेड़े झगड़े जेड़े दिन देखो कि देख दे तू अपने मैं के वाने अपने मैं के हां मैं जुल दिया मैं कटे नहीं मैं नहीं करना मैं थक गया मैं सर रहता था फजल का मैं मेरे पीछे ना तू अपने पे के मैं मेरे पीछे ना तेरे पीछे हो जा मैं मैंने अपना मैं जिधर मेरा पे ठीक मेरा पे तू मायूड़े मैं तेरे पीछे तू मेरे पीछे ना होने जिधर मैं मन्ना हूँ आप ही जिधर मैं बैग चाहते मन्ना वाला ना मैं वाला बैग चाहते ऐसे मैं पीछे हो सकता हूँ अम्मा ना अम्मा कहने ओ बाप अब्बा जिंदा बैठे माशाल्लाह तेरा तेरी अम्मा जिंदी बैठी है माशाल्लाह तू हूं दे घर वन तू मेरे पीछे क्यों मंदी हां क्या लोग पुत्र जवान है ना पे के दर्द पई है हां तो क्या आग मैं अपने अबे अम्मा को मिलन गई हां बस आग मिलन मन्या तू बहाना बना के नहीं दे अच्छा हां बंदा जेड़ा करते वेने ना पुत्र को बहाना बनाते नहीं दे ना हो पुत्र है ना वदर है पुत्र है पीछे अच्छा कर क्या जल्दी
तैयारी कर सवेर दा मना मना तक बगे ने पा कपड़े चेंज कर कपड़े जोल 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 गिद्दी बना मैं गिद्दी बना जोल मजाक कर जोल जोल गिद्दी बना मैं गिद्दी बना जोल तैयारी कर तो बाहर घूमोगे अम्मी को पार्क घुमाऊंगा उधर अम्मा को सड़क घुमाऊंगा मास्क लगवा के हाँ अम्मा को उधर घास छास घुमाऊंगा हमारे देखते कितने बड़े बड़े घास उतर पहाड़ होते हैं अम्मा को पहाड़ घुमाऊंगा उतर चोटी पे लेके जाऊंगा अम्मा को पहाड़ घुमाऊंगा बहुत बड़े हाँ कि मौजा होते उतर हाँ चलो जी नमाज पढ़ के आते हैं फिर गपशप किधर भज जाने हैं सादे घर के बंदे अपन चाचे दें नमाज पढ़ लिए अम्मा तैयारी कर की थी लेट है तैयारी कर की थी जुलू जुलू भाजा जल्दी कर लेट है अम्मा जल्दी कर लेट है अम्मा जल्दी कर तैयारी कर जुलू पैसे देते अम्मा को गेन बनी जी बात है मेरी महे तेरे ते को कितने में पैसे दे मते को चाटा ना दे मां मैं साइकिल दे यहां हां बगैर जेरी वजह चैन ट्रट में दिया हां से और मैं बना तो देना बेटे को मेरे पूछे को नहीं ठीक है ते 150 चाहिए ठीक है ओके कर हां ते अम्मा दिए चल अम्मा जुलू लेट नहीं पे अम्मा चल जुलू तैयारी करने की तई में बैठे तैयारी कित होता जुड़ा पे होते ये केड़ी तैयारी अम्मा तेरी रे जूती देखो इमें तू वैसे देख जूती आपने चेक कर ये देख कपड़े चेक कर इमें गंदे मंदे कपड़े पाते वैसे एक यारी गाल में पहिए वैसे यार यार सन लोग आप सन देख कीमे तेरी अम्मा वधी गंदी मंदी बनी वधी हम तैयारी की चेहर के बास वैसी पहिए कपड़े बदलाऊं अच्छा वाला तू आज मंचन गाल कपड़े मैं वो कल लाई मैंने सामान जी मैंने उठा लिया अभी ये देखें बैग शैग मैंने तैयार कर लिया बैग शैग भी तैयार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना निकलते हैं बस खाना रेडी हो रहा है मैंने भाभी को जल्दी जल्दी बोला मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर दो ठीक है ना फिर मैं निकलूं और जाऊं टाइम के साथ क्योंकि बस निकल ना जाए फिर घर में वापस ना आ जाऊं ये देखें जी रोटी मेरे ऊपर डाल दी गई है तवे पर बस जल्दी जल्दी जो है ना निकलते हैं अभी रोटी खा के कॉल भी आ गई है मेरा जो इंतज़ार कर रहे हैं भाई वो अभी उधर बैठे हैं उनकी कॉल आ गई है तो जल्दी से निकलता हूँ यार अस्सलाम वालेकुम मार साहब गोदा भाई मैं डूब उड़ के खाने ने खाते निकलता प्या हाँ बस ओके कर चले जी फाइनल हो गया बस दो गिरा रोटी के खास आके अद्दा इजाजत वाले हैं जिंदगी बाकी वाल मिलसू अपना यार वाला अच्छा अलविदा वजानी अच्छा अलविदा अद्दा मैं मेना पिया ठीक है ना ओ जिथा मेना पिया ना ओ तक मेरे सारे वा फैसलाबाद मेना पिया जरा मेरा काम है ना ओ करने और ही मेना पिया ठीक है ना ते उंदे कोनो बाद जरा उथे अगर काम है ओ शेयर करे सा दिखे सा वाल देखी मैं क्या काम गया जी भैया ओ मौजू आ गया माशाल्लाह ओए असरा माँ साहब ओ माँ साहब आ गए हैं माँ साहब ओए होए 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 वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह चलो जी बैठते हैं खाना खाते हैं खाना खाने के बाद फिर सबको अलविदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया माशाल्लाह से खाना खाते हैं अभी ये देखें जी खाना आ चुका है जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं फिर बस लेट ना हो जाए यार जल्दी से निकलना है ये देखें जी ये दाल हो गई और ये रोटी होगी बिस्मिल्लाह आपने खाना है मेरे साथ नहीं खाना है तो आ जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इकट्ठे बहन भाई बैठ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मगर आप लोगों ने खाना तो आके खा सकते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वीआईपी टेस्ट माशाल्लाह जी खाना जो है ना खा लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे निकलते हैं क्योंकि लेट हो रही है फिर कहीं बस छूट ना जाए ओके अम्मा अल्लाह हाफिज़ दुआ करना सरदार साहब अल्लाह हाफिज़ ठीक है कट्ठी हो वाला है एक ही मैं बैटरी शैटरी पई वदी ते मुंह ते ठीक है गोदा ओके सारे को अल्लाह हाफिज़ ठीक है चलें जी निकलती हैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों के साथ गपशप करूँगा इंशाल्लाह सुबह के व्लॉग में इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद